सुसाइड करी, सुसाइड किया कि मर्डर हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड है, तो मैं क्लियर नहीं बता सकती कि क्या है उनका, पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी उनके शायद हस्बैंड जो विष्णु चौहान हैं वो शायद कस्टडी में हैं, अभी ये भी श्योर नहीं हूँ मैं, शायद कस्टडी में हैं वो। उनका एक इतना छोटा सा बेटा है, रुद्र नाम था उसका। शिवांश हाय करो, नमस्ते करो सबसे। तो फ्रेंड ये रीजन है, ये जो है शिवांश का जो है पैर वो टूट गया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग को, कैसे हो आप सब, आशा करते हो कि आप सब ठीक हो स्वस्थ होंगे। तो आज है पूर्णिमा का दिन और आज व्रत वाली पूर्णिमा है, तो आज है मेरा फास्ट। स्नानदान वाली पूर्णिमा कल है, तो आज मैं वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ वीडियो, इसलिए काफ़ी टाइम के मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ जो समस्याएं हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी हैं फ्रेंड्स, तो क्या बताऊँ आप लोगों को। दीपावली के बाद मेरा कोई, दिवाली के बाद से मेरा कोई वीडियो नहीं गया है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक तो आप लोग सपोर्ट भी इतना ज़्यादा नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि शिवांश की जो है वो तबीयत सही नहीं थी, दिवाली के बाद भी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद तो एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज फाइनली टाइम मिला, मतलब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ, और एक और वीडियो बनाना था, एक और टॉपिक पे मुझे जो कि ज़रूरी समझ रहे हैं इस टाइम पे मैं, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना लेती हूँ। और आप सबको बताना चाहती हूँ कि शिवांश की तबीयत को क्या हो गया है, किस लिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो फ्रेंड आप लोग खुद ही देख लो कि मैं क्यों, किस लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी इतने टाइम से, क्या रीज़न है। तो ये देखिए शिवांश हाय करो, नमस्ते करो सबसे। तो फ्रेंड ये रीजन है, ये जो है शिवांश का जो है पैर वो टूट गया है। तो फ्रेंड ये बाहर ऐसे ही खेल रहा था, खेलते खेलते इसका जो पैर है वो टूट गया है, इसको प्लास्टर चढ़ाया, हो गए 5 दिन कच्चा प्लास्टर चढ़ाया, कल शायद पक्का प्लास्टर चढ़ेगा इसको, डॉक्टर ने बोला है अभी पक्का प्लास्टर चढ़वाने के लिए। कल हमने प्लास्टर निकाल के थोड़ा सा सोचा भी कि शायद चले, पर ये नहीं चल पा रहा, तो इसको पक्का प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा केयर की समय ज़रूरत है, मैं अकेली हूँ, आप लोग जानते ही हो कि मैं अकेली हूँ, घर का सारा काम हो गया, इसको संभालना हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो फ्रेंड एक टॉपिक पे मुझे और भी वीडियो बनाना था, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं इसलिए नहीं मतलब बनाना चाह रही हूँ कि मेरे को व्यूज आएगा या फिर जो भी हो, मैं भी एक औरत हूँ, औरत के नाते मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, और क्या सच्चाई है क्या गलत है, मैं ना वहाँ गई हूँ ना मैं जानती हूँ, वैसे भी मैं उन लोगों को बहुत कम जानती हूँ, वीडियो के माध्यम से मैं उनको जानती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ बेटा क्या चाहिए, हाँ तो ये फट गया, इसको फेंक दो, तो फेंक दो, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है आज। तो फ्रेंड मैं बात करना चाहती हूँ, एक यूट्यूबर थी मालती चौहान, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, वो बिहार साइड की थी, तो उन्होंने सुसाइड किया कि मर्डर हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड है, तो मैं क्लियर नहीं बता सकती कि क्या है उनका, पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी उनके शायद हस्बैंड जो विष्णु चौहान हैं वो शायद कस्टडी में हैं, अभी ये भी श्योर नहीं हूँ मैं, शायद कस्टडी में हैं वो। उनका एक इतना छोटा सा बेटा है, रुद्र नाम था उसका। तो बताइए उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, अगर सुसाइड किया तो भी गलत है, अगर मर्डर किया किसी ने तो भी बहुत बड़ा गलत है, क्योंकि उसका जो बेटा है बहुत छोटा है, एक डेढ़ दो साल का उनका बच्चा है, तो उसकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो अभी से अनाथ हो गया, बाप कस्टडी में, माँ इस दुनिया में नहीं, उसके लिए देखिए माँ बाप का जो स्थान होता है ना वो कोई नहीं ले सकता, चाहे नाना नानी मौसा मौसी मामा मामी चाहे जो भी हो, भैया हम तो नहीं मतलब कि इतना वो कर मतलब भरोसा कर पाते हैं किसी पे भी अपने बच्चे को लेके। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि एक माँ जो होती है वो माँ ही होती है, तो उनका जो है वो देहांत हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो फ्रेंड क्या है ना, लाइफ में हर इंसान के उतार चढ़ाव आता है, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मतलब आए भी और आ भी रहे हैं, मैं जिस कंडीशन से निकली हूँ आप लोगों को भी सारी सच्चाई नहीं पता है, कभी वीडियो बना के डालूंगी, मैं जिस सिचुएशन से निकली हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है अपने बच्चे को लेके और घर परिवार को सब चीज़ों को लेके,
मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस किया है। अभी देख लीजिए जो मेरा सिवांश है वो कभी भी ठीक नहीं रहता है, इसको एक ना एक समस्या लगी ही रहती है। तो मैं इतना ज़्यादा लाइफ से परेशान हूँ, तो पर ये थोड़ी ना सोल्यूशन है कि लाइफ का आप अपनी जान दे दो या फिर आप किसी की जान ले लो, है ना। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब जिंदगी दी है भगवान ने, तो उतार चढ़ाव भी दिया है। अगर वो डाल रहा है मुसीबत तो वही निकालेगा उन सब मुसीबतों से। इतना तो उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए ना भगवान के ऊपर। अगर हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भोलेनाथ को, तो इतना तो उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि अगर आपने हमें जिंदगी दी है, इस जिंदगी में आपने हमें दुख दिया है, तो आप ही हमें इस जिंदगी से निकालेंगे। तो फ्रेंड ये जो हुआ ना घटना, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, सबको मतलब दहला देने वाली घटना है। क्योंकि हंसता खेलता उनका परिवार था, एक छोटा सा बच्चा था, सब कुछ था, यूट्यूब से अच्छी अर्निंग भी होती थी उन लोगों की, चाहिए क्या था, घर मतलब सब कुछ सही चल रहा था। वो कहते हैं ना कि सब कुछ इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता, खुशियाँ आप पैसों से नहीं खरीद सकते, खुशी आप छोटे छोटे पल को, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से ना अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती नहीं बनानी चाहिए, ना किसी के लिए जान देनी चाहिए, ना किसी की जान लेनी चाहिए। ज़िंदगी क्या है ना, भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। ठीक है, उतार चढ़ाव हर किसी के ज़िंदगी में आता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई किसी की जान ले ले या फिर हम सुसाइड ही कर लें, यही एक ऑप्शन रह गया है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने बारे में ना सही, तो आपका एक बच्चा हो गया था उसके बारे में सोचना चाहिए था, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो मैं अभी भी जब भी वीडियो खोलती हूँ फेसबुक या फिर यूट्यूब पे, तो उन्हीं की वीडियो इस समय ट्रेंडिंग मतलब चल रही है। तो फ्रेंड किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को आप लोग इतना सस्ता मत बनाइए। जो मालती चौहान के साथ हुआ, मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ना हो ऐसा। तो जैसा भी होता है अपडेट, मैं देख के आप लोगों के साथ अपडेट देती रहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। सिवांश का जो है ना पैर बहुत दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।